नमस्कार, मैं हूं राहुल डबास और आप देख रहे हैं समाचार प्लस की खास चुनावी पेशकश चुनावी घुमक्कड़। एटा क्षेत्र में हम पहुंचे, जिला एटा है। मरहरा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे मौजूद जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम इंटर कॉलेज नजर आ रहा है, वही यहाँ की संस्कृति है, वही यहाँ की सभ्यता है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक दरगाह है जिसके बारे में कहा जाता है कि हजरत साहब की, मोहम्मद साहब की 34वीं पीढ़ी अभी भी वहाँ पर रहती है। बड़ा उर्स का मेला होता है, यानी सूफी से लेकर हिंदू तक गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। अगर इस विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी बड़े लंबे अरसे तक यहाँ पर रही है और गढ़ बताया जाता है समाजवादी पार्टी का। सबसे पहले सपा के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई उन्होंने कितना विकास करके दिखाया है। आपसे जानना चाहेंगे विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया आपकी पार्टी ने, सूबे में आपकी सरकार है। हमारी समाजवादी पार्टी ने, तो हमारे विधायक माननीय अमित गौरव यादव ने इस मरहरा विधानसभा के लिए इन पांच वर्षों के अपने कार्यकाल में कम से कम 300 करोड़ रुपया तो लोक निर्माण विभाग से लगाया, जिससे कि बड़ी बड़ी सड़कें बनी। सिंचाई के क्षेत्र में हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक से हमारे माननीय विधायक जी माचू और रजवाहा स्वीकृत करा के लाए 12 करोड़ रुपए की योजना का। एक बहुत बड़ा फीडर 132 केवी का 29 करोड़ रुपए का वो स्वीकृत हुआ, उस पर भी काम चल रहा है। शिक्षा क्षेत्र में हमारे विधानसभा में कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जो 2001 की जनगणना के अनुसार जिसकी आबादी 250 हो उसमें कोई प्राथमिक विद्यालय ना हो। हमने हर गांव, हर छोटे मजरे को पक्की सड़क से, डाबरीकरण से जोड़ा है। मरहरा में विकास हुआ है, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी का ये दावा है। सीधा भाजपा के पास चलते हैं और दावे के अंदर कितनी हवा है और कितनी सच्चाई विपक्ष से बेहतर कोई नहीं जानता। आपसे जानना चाहेंगे कि जो दावा किया जा रहा है कि 250 की आबादी में भी प्राइमरी स्कूल खोला गया है, पूरी तरीके से बिजली आती है, सड़क है, कितने सही है? अभी समाजवादी पार्टी के हमारे नेता बता रहे थे कि हमने 300 करोड़ रुपए यहाँ के लिए मंजूर कराया है। सड़कों की इतनी जर्जर हालत है, मैं सड़कों का कहो तो आपको जो है नंबर गिनाऊंगा आपको। जीटी रोड पर निधौली कट से लेकर निधौली तक सड़क नहीं है, आप जाकर के देख लीजिए। मरगाया मगरौली निधौली कला से सड़क नहीं है, तो बड़ी बड़ी सड़कें सब ऐसी पड़ी है। यहाँ भी आप नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए, यहाँ भी बहुत खराब स्थिति है। लेकिन जीटी रोड तो दोनों की है ना, नेशनल हाईवे है। जीटी रोड से निधौली कट से जो निधौली को सड़क जाती है बिल्कुल जर्जर अवस्था में 8 किलोमीटर तक, आप उस पर जो पैदल नहीं चल सकते उस पर। आप निधौली आइए, निधौली से मरगाया मगरौली वाली सड़क आप देख लीजिए, आप कौन सी सड़क देखेंगे? आप यहाँ बिजली के कैसे हालात हैं, शिक्षा के कैसे हालात? शिक्षा का हाल तो यहाँ पर जो है बहुत ही खराब है। कहीं पर अध्यापक एक है तो कहीं बिल्कुल एक भी नहीं अध्यापक, ये भी स्थिति। आबादी खुद को कितना सुरक्षित मानती है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है एटा में भी और मरहरा में? मैं तो 20% भी नहीं मानती हूँ उनको सुरक्षित। बेटियाँ सुबह घर जाती हैं, घर से जाती हैं तो पता ही नहीं सुरक्षित आएंगी नहीं आएंगी। और घर पे महिलाओं को आए दिन चोरी हो रही है, रास्ते में लूट लिया, ये कर लिया, मतलब बहुत सारी वारदातें हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। कितना विकास हुआ है अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो, भाजपा के तौर पे नहीं, एक यहाँ पर जो आप नागरिक हैं, वोटर हैं, उसके तौर पे? कोई विशेष विकास तो नहीं हुआ। जहाँ तक विकास की बात है तो मरहरा प्रॉपर में तो विकास हुआ, यद्यपि मरहरा प्रॉपर भी मरहरा विधानसभा में सम्मिलित है, लेकिन इसका श्रेय पूरा पूरा हमारे प्रिय विद्यार्थी परवेज को जाता है, मरहरा नगर पालिका के विकास का श्रेय का। बच्चे स्कूल में टीचर आते हैं क्या? बिजली आती है जब आप पढ़ना चाहते हैं? बिजली नहीं आती बिल्कुल, यहाँ की बिजली व्यवस्था बहुत खराब है। टीचर आते हैं स्कूल में? टीचर तो आते हैं जी। नौकरियां आपको लगता है कि यहीं पर ही मिल जाएगी या आगरा जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा? नौकरी के नाम पर तो यहाँ कोई एटा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एक इंडस्ट्री नहीं खोली गई, पहली बात। और दूसरी बात है, युवाओं के साथ इतना अन्याय हुआ है कि आप एक बोर्ड बनाया जिन्हें सेवा चयन आयोग, इस बोर्ड से जितनी भी भर्ती हुई है उसका कभी मार्क्स शो नहीं कराया गया बच्चों को, कितनी बच्चों के नंबर आए कभी कुछ नहीं कराया, अंदर अंदर घपले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितना घपले हो जाते हैं। सीधे तौर पर आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाए जाते हैं। एक बार कांग्रेस की बात चलते हैं, फिर आपके पास आएंगे और आपका जवाब लेंगे। अगर कांग्रेस की बात की जाए, लगभग 3 दशकों से सूबे में सरकार नहीं है, अब केंद्र में भी सरकार चली गई, कैसे आपको लगता है कि इस बार जनता आपको चुनेगी, राहुल गांधी को चुनेगी? जनता जानती है कि जातिवादी दल 27 साल से यूपी बेहाल कर दिया है, जनता समझ चुकी है। कांग्रेस ने पहले भी दीक्षित पे भी आरोप यही लगाए जाते हैं कि ब्राह्मणवाद किया जा रहा है। बिल्कुल ब्राह्मणवाद नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी भी पार्टी, जाति की पार्टी नहीं, किसी धर्म की पार्टी नहीं। और यहाँ विकास की बात कर दूं मैं, यहाँ माचू और जवाब बना था 12 करोड़ उसमें
रुपया लगा था और दूसरे दिन वो डह गया, वो विकास हुआ है तो कुछ हमारे समाजवादी भाइयों का हुआ है, किसी का विकास नहीं हुआ, विकास और सारे लोगों का यहाँ विनाश हुआ है। और कानून व्यवस्था के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है यहाँ की। आप क्या करके दिखाएंगे अगर आपकी सत्ता है तो? हमारी सत्ता आएगी तो लगता है कि सत्ता आएगी बिल्कुल 110% उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले बुनियादी जो जरूरतें हैं मारेरा क्षेत्र की उन पर काम किया जाएगा। और उन बुनियादी जरूरतों में जैसे सड़क, अभी सड़क की बात हो रही थी, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अगर हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे तो बने मगर सड़कें जो लोकल सड़कें हैं वो टूटी हुई। दूसरी चीज शिक्षा के क्षेत्र में 27 साल के अंदर तीनों पार्टियों ने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया है। किसी भी स्कूल एक शिक्षक से ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं अगर सीएचसी पीएससी पर देखें तो वहां पर फार्मासिस्ट चलाते हैं। यहां पर एनडी तिवारी ने रोजगार के उद्देश्य से स्कूटर फैक्ट्री लाए थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अपना यहां पर अपना सेकंड घर कहते हैं, दूसरा घर कहते हैं, इसको इन्होंने कोई तरजीह नहीं दी है। इतना बदला है अगर बात की जाए चारों पार्टियों की तो कितना बदला है विधानसभा क्षेत्र मरहरा, कितना बदल गया है 10-20 सालों में? कुछ विकास हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है? क्या हुआ? हमारे यहाँ पर जो सड़कों का निर्माण कराया है, ठीक है, और जो बरातगढ़ वगैरह जो बनवाए हैं और रामलीला ग्राउंड का हमने बनवाना शुरू कर दिया, पूरा हो गया है। और यहाँ पर हमारी पार्टी ने किसी भी तरह की कोई कोताही विकास में नहीं रखी है। आपको लगता है कम से कम इस विधानसभा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम एकता है, जो गंगा जमुनी तहजीब है वो नजर आती है? क्योंकि अगर दरगाह की बात करें तो वो भी है, सब कुछ नजर आता है, गंगा जमुना की तहजीब भी नजर आती है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े कार्यकाल हुए, सब काम होते हैं अच्छे। और कोई भी पार्टी के पास दोबारा चलते हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि विकास तो होता है लेकिन परिवार का ज्यादा होता है और अब तो परिवार भी बटा हुआ नजर आता है। ऐसे में जनता के सामने किस नजर के साथ जाएंगे? परिवार बिल्कुल बटा हुआ नहीं है, सब एक है। जब कोई बहुत बढ़िया रेसिपी या कोई बहुत बढ़िया हम आपको मिठाई बनाते हैं तो करछुली थोड़ी बहुत तो ठकठक करती है, कहीं भी कोई ऐसी विवाद नहीं, हम सब एक हैं, पूरी समाजवादी एक है। रही बात इन बीजेपी वालों की, ये हमारे चचा हैं, एमएलसी भी रहे एटा से, विधायक भी रहे, ये अपने उन शासन काल में या अपने टाइम में एक सड़क नहीं बता सकते जो इन्होंने बनवाई हो। अब वो कहते हैं कि 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल पहले उन्होंने कितने यूपी को चमकदार बनाया था। सबसे ज्यादा बड़े अगर घोटालेबाज कोई देश में है तो टोटल कांग्रेस ही। ये कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिले हैं, बेरोजगारी भत्ता मिल गया है, भत्ते की जगह अगर रोजगार मिलता ज्यादा बेहतर नहीं होता? अगर कंपनी आती निवेश करती, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितनी कंपनी आई जो रोजगार लगानी आती? कंपनी कहाँ से आती, बड़े लोग कुछ करते नहीं है यहाँ पे। अगर बड़े लोग अगर यहाँ पे चाहे तो हमारी कौन नहीं करते, अखिलेश यादव नहीं करते, शिवपाल जी नहीं करते, थोड़ी करेंगे। यहाँ के बड़े लोग आएंगे तो हमारी पार्टी 30 दिन के अंदर लाइसेंस दिलवा देगी उनको, कुछ भी रोजगार लगवाने के लिए, कुछ भी कारखाना लगवाने के लिए। तो पास में हाईवे जा रहा है, दिल्ली भी पास में है, क्यों नहीं आते? लाइट की बात थी जहाँ तक, तो अभी जो है 18 किलोमीटर से आती है लाइट। अब यहाँ मिर्ची पे 132 केवी का हमारे विधायक जी ने बनवा दिया है और दो और बनवा दिए मोइनुद्दीनपुर में और अचलपुर में, जिससे कि लाइट की समस्या हल हो जाएगी। 6 किलोमीटर है पूरी लाइट की, कोई कुछ नहीं रहेगा। कब से शुरू होगा विद्युत उत्पादन? बन तो रहे विद्युत उत्पादन हमारे यहाँ अक्टूबर लास्ट से शुरू हो जाएगा और अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक से हम लोगों को बिजली की बिल्कुल किल्लत नहीं होगी। 24 घंटे बिजली मिलेगी? 24 मिलनी चाहिए, 22 तो मिलेगी, 22 बोला है, 22 मिलेगी, 22 घंटे भरोसा है। एक बार कांग्रेस के पास भी चलते, क्योंकि बसपा के यहाँ पे लोग नहीं है, वहाँ पे यहाँ पर पहुंचे नहीं है, क्योंकि मायावती की तरफ से बहुत बार देखने में आते हैं, निर्देश दिए जाते हैं कि वही बोलेंगे, इसलिए हम बसपा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं दिखा पा रहे हैं। लगता है कि 22 घंटे 24 घंटे बिजली मिले? पहली बात तो मैं उनका जवाब दे दूं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो यादव सिंह एक ऐसा का मेरा पूत पाला है कि जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी सरकार उसको बचाने का प्रयास। यादव सिंह किसका? एक तो बड़ा सवाल ये है, बसपा वाले कहते हैं कि हमारा नहीं, सपा कहते हैं हमारा नहीं, सीबीआई आपकी है, सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई की जांच चल रही है, तो अब आप निकाल के क्यों नहीं आते सीबीआई की जांच? यानी चलनी तो वो सूख चलनी भी कहेगा, 72 शहर जिसमें होते हैं और वो भ्रष्टाचार की 3.5 बीघा जमीन और टूटी हुई। यादव सिंह सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई 35,000 करोड़ के मालिक है, तो आपकी है केंद्र सरकार की है,
दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा सामने, लेकिन दोनों को सपा और बसपा को उसी ने कमा के दिया है, ये भी सच्ची हकीकत है। नेताजी कहते हैं कि पैसा कमाना बंद करो, कानून व्यवस्था की हालत ठीक करो, तो कहीं ना कहीं कमियां तो बहुत ज्यादा है सरकार के अंदर। भैया बिल्कुल कोई कमी नहीं है हमारा, कोई मतलब नेताजी कहते तब नहीं मानते आप बताइए। नेताजी 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 डांटने के लिए समझाने के लिए कहते हैं, और नेताजी कहते हैं हम लोगों पर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर मंशा होती है उनकी। अंतिम बार जनता के पास चलते हैं, जनता जनार्दन होती है, वोट जो डालेंगे वोट आपको लगता है कि जाति धर्म छोड़ के विकास पे डाला जाएगा इस बार, चाहे मोदी आए चाहे अखिलेश आए? विकास के लिए अखिलेश पे वोट डाला जाएगा विधानसभा क्षेत्र में, यानी साफ तौर पर विकास के आधार पर मतदान किया जाएगा। कम से कम मरहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ये कहती है। हालांकि अगर विकास की पुलंदों की बात करें तो बीजेपी के पास अपने दावे हैं कि उन्होंने ढाई साल में कुछ करके दिखाया है, सपा के पास अपने दावे हैं, और कांग्रेस ये कहने के लिए भी तैयार है कि हम तीन दशक से नहीं थे इसलिए विकास नहीं हुआ। बसपा के बहरहाल उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन इलाके की जनता ने जरूर अपनी डिमांड रखी, अपनी मांग रखी कि वाकई उन्हें क्या मिला है और किस आधार यानी विकास के आधार पर वो आगे मतदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि आधार विकास बने, जाति धर्म ना बन पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली बार एक नए विधानसभा की समस्याओं और समस्याओं के समाधान के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।